अगली खबर की ओर। एलेनाबाद से इनेलो विधायक अभय चौटाला आज कार्यकर्ता मीटिंग लेने रेवाड़ी पहुंचे। कार्यकर्ता मीटिंग के उपरांत उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार और हुड्डा पर जमकर निशाना साधा, साथ ही पानी के मुद्दे पर भी जमकर बोले। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर बना था, जिसका प्रदेश स्तर पर कोई असर नहीं है। विधानसभा में इनेलो एक अलग संगठन बनाएंगे, जिसमें अनेक पार्टियों से बात करके उन्हें संगठन में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। जब किसी पार्टी का ग्राफ गिरता है तो उसके नेता उन्हें छोड़कर जाते हैं। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर जल्दी कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को फायदा देने के लिए राज्यसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। वहीं दिल्ली में चल रहे जल संकट के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि दिल्ली में कोई भी जल संकट नहीं है, बल्कि जल संकट हरियाणा में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने SYL का पानी हरियाणा को देने से रोका हुआ है, और वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पानी के लिए रो रही है। अगर प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होती तो नहर बंद कर दी जाती और एक बूंद पानी दिल्ली को तब तक नहीं दिया जाता जब तक हरियाणा को उसके हिस्से का SYL का पानी नहीं मिल जाता। आप इस सवाल पूछो, अभी विधानसभा का चुनाव आएगा, ये जो लोकसभा का चुनाव था ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं था, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे थे सारे। ये चुनाव तो NDA वर्सेस इंडिया का था, और इस चुनाव में लोगों ने एक फैसला कर दिया था कि मोदी को सत्ता से बाहर करो। उसका सीधा सा कारण था कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष बहुत सारे ऐसे फैसले लिए थे जिससे आम आदमी दुखी और परेशान हुआ, चाहे वो नोटबंदी का था, GST का था, चाहे आपके 3 काले कानून बनाने का था, और चाहे उन्होंने अलग अलग देश की कंपनियों को बेचने का फैसला लिया। उससे लोगों को ये डर पैदा हो गया था कि मोदी अगर फिर सत्ता में आ गया, फिर 400 पार कर गया, तो ये देश को बेच देगा। इसलिए लोगों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाला। जो इंडिया गठबंधन बना था वो नेशनल स्तर पे बना था, उसका स्टेट के ऊपर कोई असर नहीं है। अब स्टेट में उसके साथ जुड़े हुए लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ही कहते हम अकेले लड़ेंगे, हम ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे और संगठन आएंगे, बहुत सारे राजनीतिक दल भी आएंगे। इस लोकसभा के चुनाव में भी कुछ लोगों ने हमारी मदद करी।